हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी पीसी टेक एंथुसियास्ट का हमारे एनपीसी के एक बिल्कुल फ्रेश न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं किसी भी कस्टम पीसी बिल्ड के बारे में, बल्कि आज हम करेंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू जो है सीधा एनजीएक्सटी की तरफ से, उनका एनजीएक्सटी कैप्सूल यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब क्योंकि ये एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम आज इस प्रोडक्ट को जज करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लुक एंड डिज़ाइन। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NZXT अपने आप में कितना ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है, और अगर आप उनके सभी प्रोडक्ट्स जैसे कि AIOs या फिर कैबिनेट्स की तरफ देखें तो वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। और अगर आप इस माइक की तरफ भी देखेंगे तो आपको वही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इवन अगर आप इस माइक के जो बॉक्स है या फिर पैकेजिंग है उसकी तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी क्लीन लुक अचीव करने की पूरी कोशिश की है, और मैं कहना चाहूँगा कि वो इसमें सफल भी हुए हैं। अब आप जब इस माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको सीधा एक फुली असेंबल्ड माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक USB टाइप सी टू USB टाइप ए केबल देखने को मिल जाएगी जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, और जो केबल है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टडी और प्रीमियम फील होती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाती है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो आपको सबसे पहले इस माइक में इसका सबसे बड़ा जो है कैप्सूल देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर NZXT ने इसका नाम भी रखा है। जो कैप्सूल है वो अराउंड कुछ 25 mm का है, जो इनके बाकी कंटेम्प्रेरी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैप्सूल है, जिसकी वजह से ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी रिच और क्लीन साउंड रिकॉर्ड करने में। अब एक और चीज़ है जो आपको इस माइक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस माइक में सिर्फ एक ही पिकअप पैटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि है कार्डवाइड पोलर पैटर्न। यानी आप इस माइक से इसके साइड्स और इसके फ्रंट से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे अगर आप दूसरे माइक्रोफोन्स की तरफ देखें तो आपको वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ओमनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सुपर कार्डोइड, हाइपर कार्डोइड, बट आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही पिकअप पैटर्न जो है देखने को मिलने वाला है। बट ये काफ़ी सेंसिबल सी बात है क्योंकि ये एक ऐसा पोलर पैटर्न है, एक ऐसा पिकअप पैटर्न है जो मोस्टली यूज़ होता है स्टैंडर्ड मोस्टली माइक्रोफोन्स के अंदर। और वैसे भी ये जो माइक्रोफोन है वो टारगेट किया जा रहा है हार्डकोर गेमर्स और स्ट्रीमर्स के लिए, तो मल्टीपल पिकअप पैटर्न्स देने का कोई सेंस वैसे बनता भी नहीं था। और कार्डोइड पोलर पैटर्न जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, हर जगह यही पोलर पैटर्न यूज़ किया जाता है। वैसे हमारे पास अभी रिव्यू के लिए जो वेरिएंट आया है इस माइक का वो ऑल ब्लैक डिज़ाइन के अंदर है। वैसे अगर आप चाहें तो इसके आप दूसरे वेरिएंट जो कि ब्लैक एंड वाइट के कॉन्ट्रास्ट में है उसकी तरफ भी जा सकते हैं, जो ऑब्वियसली देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको ऑल ब्लैक की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आप हैसल फ्री रहना चाहते हैं, मेंटेनेंस पर कम से कम ध्यान देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑल ब्लैक डिज़ाइन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। अब अगर बात करें इस माइक के मटेरियल की कि आखिर बना किससे है, तो NZXT की वेबसाइट पे मेंशन है कि ये बना है एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम से विद PCABS शेल। वैसे पूरी तरह से ये एल्यूमिनियम से तो नहीं बना है, बट डेफिनेटली इसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी हाई ग्रेड का है, जो आपको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। वैसे अगर हम इस माइक्रोफोन के वेट की तरफ देखें तो इंडिविजुअली जो इसका जो माइक्रोफोन है वो इतना ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब अराउंड 300 ग्राम्स आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा, बट विद स्टैंड इसका जो वेट है वो अराउंड 900 ग्राम्स तक पहुंच जाता है, जो एक तरह से अच्छा भी है। आपको स्टडीनेस फील होगी, आपको जो माइक है उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, आपका शॉक माउंट का जो खर्चा है वो बच जाएगा। अब अगर हम देखें इस माइक के नॉब्स की तरफ तो अगेन यहाँ पर मिनिमलिस्टिक अप्रोच देने के लिए सिर्फ दो नॉब दिए गए हैं। सबसे पहले जो नॉब आपको देखने को मिलेगा उससे आप इसके जो गेन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सेकंड जो नॉब है उससे आप अपने फीडबैक को मॉनिटर कर सकते हैं। एंड अगेन जो गेन का जो नॉब है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इस माइक की रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं, एंड अगेन प्रेस करके इसकी माइक की रिकॉर्डिंग को आप ऑन भी कर सकते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ। इसमें आपको नीचे की तरफ एक रिंग दी गई है, जब आप इस माइक को म्यूट करेंगे तो वहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट करेगी, और अगर आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसे ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको व्हाइट कलर की बहुत सुंदर सी एक लाइट जो है वो इल्यूमिनेट होते हुए दिखाई देगी। अब अगर हम इस माइक्रोफोन के साथ आने वाले स्टैंड की तरफ देखें तो ये इतना ज़्यादा भारी इसलिए है क्योंकि ये ऑल स्टील मटेरियल से बना है, और इस माइक्रोफोन को इसके स्टैंड से डिटैच या फिर अटैच करने का जो मैकेनिज्म है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इसके बैक साइड की तरफ एक बटन देखने को मिल जाएगा जिसे आप प्रेस करके इस माइक्रोफोन को इसके स्टैंड से डिटैच या फिर अटैच कर सकते हैं, और फिर आप इसे किसी भी अपने जो बूम आर्म है उसमें
माउंट कर सकते हैं। वैसे आपको इसके बॉटम की तरफ तीन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक है टाइप सी पोर्ट, जिससे आप अपने पीसी को इससे कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक्रोफोन से। एक पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोफोन के लिए, जिससे आप अपने साउंड को मॉनिटर कर सकते हैं। और एक पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है बूम स्टैंड के लिए, जिससे आप किसी भी बूम आर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे NZXT ने भी एक बूम आर्म लॉन्च किया है स्पेशली इस माइक्रोफोन के लिए, तो अगर आप NZXT के फैन बॉय हैं तो आप ये बूम आर्म लेके इस माइक को उस पे माउंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इस माइक के साथ आने वाले स्टैंड के नीचे जब आप देखते हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर सी पर्पल कलर की रिंग देखने को मिल जाएगी, जो अगेन आपके माइक में जो उसकी ग्रिप है उसे इम्प्रूव करने का ही काम करेगी। और हमारी टेस्टिंग में भी हमने इसमें किसी भी तरह के स्लिपरी इश्यूज़ को फेस नहीं किया है। तो चलिए बात करते हैं इस माइक्रोफोन की यूजेबिलिटी के बारे में। और मैं कहना चाहूँगा कि अब तक मैंने जितने भी माइक्रोफोन्स को यूज़ किया है, ये वन ऑफ द मोस्ट हैसल फ्री माइक्रोफोन है उन सभी में से। आपको सिंपली इसे प्लग करना है अपने पीसी में और आप अपनी रिकॉर्डिंग को, अपनी स्ट्रीमिंग को शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के ड्राइवर्स को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसे यूज़ करने के लिए। आपको बस इसे प्लग करना है और फिर आप अपने किसी भी डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर में या फिर अपने डॉ में इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसकी जो टेस्टिंग है वो ऑडेसिटी में की है, आपको उसके सैंपल भी हम सुनाने वाले हैं आगे चलकर। बट डेफिनेटली अगर आप हैसल फ्री रहना चाहते हैं, आपको सिंपली प्लग एंड प्ले करना है, आपको ज़्यादा अपने सिस्टम में, अपने जो सेटअप है उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं, तो डेफिनेटली माइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की तरफ जो सभी माइक्रोफोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑडियो आउटपुट। अब अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये माइक्रोफोन केपेबल है 24 बिट रेट या फिर 96 किलोहर्ट्ज़ के सैम्पल रेट में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे आप हाई क्वालिटी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस माइक्रोफोन के थ्रू। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि जो सैम्पल रेट आपको इस माइक्रोफोन में देखने को मिलता है वो स्टैंडर्ड है मोस्टली सभी प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स के लिए। आप जो ये इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं गानों में और जो सिंगर्स की आप आवाज़ सुनते हैं वो इसी सैम्पल रेट पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस माइक्रोफोन से जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल मिलने वाला है। बट स्टिल हम आपको अभी ऑडियो सैंपल सुनवाने वाले हैं जिस माइक्रोफोन से अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और NZXT के कैप्सूल माइक्रोफोन से आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा बढ़िया ऑडियो आउटपुट सुनने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप ये वॉइस सुन पा रहे हैं हमारे इन हाउस माइक्रोफोन से, जिससे आप हमारी जो वीडियोस हैं उसमें साउंड सुन पाते हैं। तो ये क्वालिटी आपको मिलती है जब आप एक स्टैंडर्ड माइक्रोफोन यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप जज कर सकते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड माइक्रोफोन की तरफ जाते हैं तो कैसी रिकॉर्डिंग आपको सुनने को, या फिर आप उसका जो आउटपुट है वो समझ सकते हैं कि कैसा मिलेगा आपको। तो आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं NZXT की तरफ से आने वाले उनके कैप्सूल USB कंडेंसर माइक्रोफोन के थ्रू, और अब आप ये अच्छे से जज कर सकते हैं कि आपको किस तरह की साउंड क्वालिटी मिलने वाली है जब आप इस माइक्रोफोन को यूज़ करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स में, अपनी स्ट्रीमिंग में। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस माइक्रोफोन की जो साउंड क्वालिटी है वो पसंद आई है या फिर नहीं। तो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्टली सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइस टैग। अब अगर आप इस माइक्रोफोन को अगर इंडिया में बाय करना चाहते हैं तो आपको जो प्राइस टैग पे करना पड़ सकता है वो अराउंड कुछ 11,000 रुपीज़ है। डिपेंड करता है आप किस वेबसाइट पे इस माइक्रोफोन को देख रहे हैं, तो आप एक बफर अमाउंट 500 रुपीज़ का लेके चल सकते हैं प्लस माइनस, बट इसी प्राइस के अराउंड आपको ये माइक्रोफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि आखिर किन लोगों को इस माइक की तरफ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आप NZXT फैन बॉय है, अगर आप NZXT के इकोसिस्टम में रहना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस माइक की तरफ जा सकते हैं। आपको ये माइक बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। एंड अगर आप एक ऐसे माइक्रोफोन की तलाश में हैं जो बहुत ज़्यादा हैसल फ्री हो, बस आपको प्लग इन प्ले करना है, आपको अपनी स्ट्रीमिंग को, अपनी रिकॉर्डिंग को शुरू कर देना है, तब भी आप इस माइक्रोफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके ला पाए। और अगर आप फ्यूचर में किसी और प्रोडक्ट का भी रिव्यू हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको उसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर कुछ होने बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज ध्रुव गुरुंग फ्रॉम NPC साइनिंग ऑफ।